ए वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस, क्लास 11th, यूनिट 3rd, लॉज ऑफ मोशन। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया था। बेसिकली लीनियर मोमेंटम होता क्या है, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? इफेक्ट ऑफ मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, इसको इफेक्ट ऑफ मोशन भी बोलते हैं, इसको लीनियर मोमेंटम कहा गया है। इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, ये आपका एक फिजिकल क्वांटिटी होता है दैट इज पोजेस्ड बाई ए मूविंग ऑब्जेक्ट, जो कि पोजेस किया जाता है किसके द्वारा, कोई भी अगर आपके पास एक मूविंग ऑब्जेक्ट है। सो व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट इज पोजेस्ड बाई ए मूविंग ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने बेटा डिस्कस किया था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और उसकी एप्लीकेशन हमने डिस्कस की थी। एप्लीकेशन कौन सा था उसका? रिकॉलिंग ऑफ गन। देखिए यहाँ पे मोमेंटम की बात करें तो कुछ ग्राफ हमें और डिस्कस करने हैं। हम लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो ये जो लीनियर मोमेंटम होता है ये प्रोडक्ट होता है किस किस का? मास और वेलोसिटी का। किस किस का प्रोडक्ट है बेटा? मास और वेलोसिटी। एम इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी इज़ द वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ पे वेक्टर है, मास स्केलर है। सो पी जो लीनियर मोमेंटम होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट आपको पता ही है। मास का क्या होता है? केजी, और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो पी इज इक्वल टू एम वी। हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? लीनियर मोमेंटम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। लीनियर मोमेंटम इफेक्ट ऑफ मोशन भी बोलते हैं इसको। इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट इज पोजेस बाई ए मूविंग ऑब्जेक्ट। सो कुछ ग्राफ हमें यहाँ पे डिस्कस करने बेटा। पी इज टू एम वी, अगर हम v की बात करें, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास? कांस्टेंट है, तो जो मोमेंटम होगा बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के। जैसे आपके पास एक बस है और एक आपके पास कार है, ठीक है, अगर दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो v कांस्टेंट है। बस का मास ज़्यादा है तो इसका मतलब बस का लीनियर मोमेंटम ज़्यादा होगा। बस को रोकने आपको उतनी ही ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम ज़्यादा है। बेसिकली मोमेंटम की वजह से क्या लगता है बेटा? फोर्स एग्जर्ट होता है, इसलिए इसको स्टडी करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो पी जो होगा लीनियर मोमेंटम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मास के। कब होगा बेटा? जब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, वी कांस्टेंट है, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। सो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहें मोमेंटम और मास में तो कैसा ग्राफ आएगा बेटा? स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, कब हुआ है? जब वेलोसिटी आपका कांस्टेंट होगा तो जो मोमेंटम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के। तो मोमेंटम और मास के बीच में कैसा ग्राफ आएगा बेटा? स्ट्रेट लाइन। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें, अगर मास ऑफ बॉडी कांस्टेंट हो, फॉर एग्जांपल दो गाड़ी है ए और बी, दोनों का मास सेम है, ठीक है, बट अब वेलोसिटी दोनों की अलग अलग है, ठीक है, तो जो P होगा लीनियर मोमेंटम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी। मतलब दोनों का मास सेम है तो जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसका लीनियर मोमेंटम ज़्यादा होगा। सो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। सो P और V में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो आपका अगेन स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ये कब होगा? जब मास कॉन्स्टेंट है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ बेटा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। दूसरे पॉइंट में अगर मास कांस्टेंट है तो जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। थर्ड केस, अगर आपका लीनियर मोमेंटम क्या है? आपका कांस्टेंट है। लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो जो वी है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मास के। मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, जिसका मास कम होगा उसका वेलोसिटी ज़्यादा। कब होगा?
जब लीनियर मोमेंटम क्या है बेटा वहाँ पे कांस्टेंट है, एम क्या है आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था लीनियर मोमेंटम के बारे में, ठीक है। आज भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है, ये कुछ ग्राफ हमने डिस्कस किए। मोमेंटम का फॉर्मूला एम इन टू वी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इफेक्ट ऑफ मोशन, होता क्या है, इट इज़ ए फिजिकल क्वान्टिटी दैट पोजेस बाई ए मूविंग ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, इसलिए इसको स्टडी करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो वहाँ पे क्या कहा गया था बेटा, फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। इट मीन्स इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल मोमेंटम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या था बेटा, एफ एक्सटर्नल टोटल कितना होता है, जीरो होता है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके पास न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मेजरमेंट ऑफ इम्पल्स बाय ग्राफिकल मेथड। हमने इम्पल्स पहले भी पढ़ चुके हैं, द फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसको इम्पल्स कहा था। आई इज इक्वल टू क्या था आपके पास, एफ इंटू टी। एफ क्या था बेटा, फोर्स था, और टी क्या था, टाइम था, स्मॉल टाइम इंटरवल। सो अगर यहाँ पे आपको ग्राफ गिवन हो और आपसे इंपल्स कैलकुलेट कराया गया है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए। व्हेन कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं जब बॉडी के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर किया जा रहा है। सो देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है बेटा आपके पास, टाइम है। वाई एक्सिस पे क्या है, फोर्स है। पॉइंट क्लियर है, एक्स पे क्या है, टाइम, वाई पे क्या है, फोर्स। और जो फोर्स वो कांस्टेंट है कंटिन्यूसली ए टू बी, ठीक है। ये टाइम टी वन था तो फोर्स इतना लग रहा है, टी टू टाइम है तो फोर्स इतना लग रहा है, तो फोर्स इसका मतलब क्या है, सेम है। आपको क्या निकालना है बेटा, इम्पल्स निकालना है। अब ध्यान से सुनना, अगर स्मॉल टाइम की बात करूँगा तो एफ इंटू डी टी लिखा जाएगा, तो ये स्मॉल इम्पल्स होगा। टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेट। तो क्या हुआ, फोर्स और टाइम में अगर ग्राफ गिवन हो, किस किस के बीच में फोर्स और टाइम, और आपसे इम्पल्स कैलकुलेट कराया जाए, तो आपको कई बार बताई गई ये बात, अगर इंटीग्रेशन आता है तो इंटीग्रेशन को किससे रिलेट करना है, एरिया अंडर द कर्व। किससे रिलेट करना बेटा, एरिया अंडर द कर्व। तो इसका मतलब हुआ आप इस फोर्स टाइम जो ये ग्राफ है, मतलब ये जो कर्व है ए बी, इसके अंडर का क्या निकाल दीजिए आप, एरिया निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए बेटा, बेटा एरिया। एरिया कैलकुलेट कर दोगे तो बेटा इसका इम्पल्स कैलकुलेट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है, न्यूमेरिकल में क्या करेगा, फोर्स और टाइम के बीच में आपको ग्राफ बना के देगा पर्टिकुलर, कोई ना कोई वहाँ पर सेप होगा और आपसे कहेगा कि इतने ड्यूरेशन में कितना इंपल्स होगा। तो बड़ा सिंपल सा आपको लॉजिक यूज़ करना है, आपको क्या लगाना है, एरिया अंडर द कर्व, उस कर्व के अंडर जितना भी एरिया आएगा वो किसके इक्वल होगा, इंपल्स के इक्वल होगा। यहाँ पे क्या है, अगर कांस्टेंट फोर्स है, वेरिएबल फोर्स होगा, मतलब फोर्स चेंज होगा, ज़्यादा फर्क नहीं है, निकालना वही एरिया अंडर द कर्व है। बट फर्क डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है, तो देखिए यहाँ फोर्स चेंज हो रहा है, सो अगेन इम्पल्स वही बनेगा क्या, एरिया अंडर द कर्व। क्या निकाल देना बेटा, एरिया अंडर द कर्व। तो इम्पल्स पता लग गया ग्राफिकली मेथड। अगर कभी न्यूमेरिकल में ग्राफ दे दे फोर्स और टाइम के बीच का और आपसे इम्पल्स कैलकुलेट कराया जाए तो क्या निकाल दोगे बेटा, एरिया निकाल दोगे। क्लियर है। लास्ट यहाँ पे बच गया है अपेरेंट वेट ऑफ इन ए लिफ्ट, लास्ट टॉपिक और डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। देखिए बेटा अपेरेंट वेट ऑफ मैन इन ए लिफ्ट, देखिए बेटा कोई भी लिफ्ट है आपके पास, कोई भी ए पर्सन है वो पहले बाहर खड़ा है ग्राउंड पे, ठीक है। उसका जो वेट होगा कितना होगा बेटा, mg। वेट कितना होगा, mg। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, अपवर्ड, n या r। पॉइंट क्लियर है। कोई भी पर्सन है अगर वो लिफ्ट में जाता है
तो लिफ्ट में उसका वेट वेरी करता है। सो बेटा जब पर्सन लिफ्ट में जाता है तो उसका वेट चेंज होता है। आपने देखा होगा लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता है, लिफ्ट नीचे की तरफ, आपको लगता है कि आपका वेट चेंज हो गया। ध्यान रखना मास चेंज नहीं होता है, वेट चेंज होता है। मास क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एम जी। तो वहाँ पे बेसिकली जी चेंज होता है, एम तो चेंज होता नहीं है, तो जी चेंज होने से वेट चेंज होता है। ये ध्यान रखना, वेट वेक्टर क्वांटिटी है, एम जी फोर्स है, लेकिन मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वो चेंज नहीं होता है। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस डिस्कस करना है यहाँ पे कि मास कैसे क्या चेंज होगा। तो इनिशियली क्या था, पर्सन बाहर है लिफ्ट के बाहर, ये कोई भी पर्सन है, ठीक है। इसका वेट एम जी किधर होगा? डाउनवर्ड। इसकी नॉर्मल रिएक्शन किधर होगी? अपवर्ड, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? एम जी, जो कि एक्चुअल वेट होगा उसका, ट्रू वेट। क्यों? क्योंकि वो लिफ्ट से बाहर खड़ा है, तो एम जी डाउनवर्ड लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा? एम जी, जो कि ट्रू वेट है, एक्चुअल वेट है। अगर आर चेंज होगा तो वेट भी चेंज होगा। फर्स्ट केस, पर्सन क्या गया बेटा? लिफ्ट में गया। ये लिफ्ट है आपके पास, ठीक है, ये लिफ्ट है, इसके अंदर पर्सन है ए, वेट एम जी डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन इधर अपवर्ड। लिफ्ट किस पे है? रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो वेलोसिटी जीरो, मतलब एक्सेलरेशन कितना बेटा? जीरो है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? एम जी के ही इक्वल हो गया। और आर इज इक्वल टू एम जी क्या था आपका? एक्चुअल वेट, मतलब जो अपेरेंट वेट है, अपेरेंट का मतलब जब वो लिफ्ट में बैठा है उस टाइम पे जो अपीयर हो रहा है, ट्रू वेट जब वो लिफ्ट से बाहर था। तो आर इज इक्वल टू एम जी ही आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ बेटा अपेरेंट वेट इज इक्वल टू ट्रू वेट ही होगा। कब होगा बेटा? जब लिफ्ट किस पे है? रेस्ट पे है। सो लिफ्ट जब रेस्ट पे होता है तो उसका एक्चुअल वेट और अपेरेंट वेट दोनों इक्वल हो। नेक्स्ट केस है व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब इसमें और देखना दो चीज, अब ये फर्स्ट केस लिफ्ट किस पे था? रेस्ट पे। अब इसमें एक केस और आएगा इससे पहले, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, लेकिन यूनिफॉर्म, मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। ये भी तो केस हो सकता है। यहाँ पे तो क्या था फर्स्ट केस में? लिफ्ट किस पे था बेटा? रेस्ट पे था। तो आर इज इक्वल टू एम जी, एक्चुअल वेट और अपेरेंट दोनों इक्वल होंगे। लेकिन जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर नीचे की तरफ, बट वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो फिर से ए कितना हो गया बेटा? जीरो। दोबारा से ए कितना हो गया? जीरो, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, मूव तो कर रहा है लेकिन एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। सो एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। फिर से आर इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? एम जी ही आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अपेरेंट वेट और एक्चुअल वेट फिर से दोनों इक्वल होंगे। फर्स्ट दो केस क्लियर है। पहला केस क्या था? लिफ्ट रेस्ट पे था। दूसरा केस अपवर्ड और डाउनवर्ड जा रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर भी अपेरेंट और एक्चुअल दोनों इक्वल होंगे। दो केस क्लियर है बेटा। थर्ड केस व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से बेटा? ए एक्सेलरेशन से। कितने से? ए। वेट एम जी नीचे, नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर। बताइए इक्वेशन कैसे बतानी, बताई थी आपको, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसमें से अपोजिट वाली को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो ऊपर की तरफ जा रही है तो ऊपर की तरफ फोर्स आर माइनस अपोजिट में एम जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आया बेटा क्या किया है? जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उस डायरेक्शन में फोर्स देखिए, अपोजिट वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो लिफ्ट ऊपर जा रहा था तो ऊपर की तरफ फोर्स आर, अपोजिट में एम जी, तो आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। हमें क्या निकालना है बेटा? आर कितना आएगा? एम जी प्लस एम ए। कितना आएगा? एम जी प्लस एम ए। क्या एम जी में कुछ क्वांटिटी ऐड हुई है बेटा? डेफिनेटली ऐड हुई है। एम जी में
कुछ क्वांटिटी ऐड हुई है, तो इसका मतलब ये जो नॉर्मल रिएक्शन आर डैश बोल लीजिए, ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है किससे, आर से। आर क्या था, एम जी तो था, इसका मतलब अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन द एक्चुअल वेट, मतलब द लिफ्ट ऊपर की तरह हो जाएगी तो आपको अपना वेट ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा फील होगा। नेक्स्ट केस, अगर लिफ्ट बेटा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से जाएगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स एम जी माइनस ऊपर की तरफ आर डबल डैश मान लीजिए, अलग अलग केस है, इज इक्वल टू एम ए, तो आर डबल डैश इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, एम जी माइनस एम ए, आर डबल डैश कितना आएगा, एम जी माइनस एम ए। तो एम जी में से कुछ क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, हाँ या ना, क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है तो कम आएगा, इसका मतलब जो आर डबल डैश है वो लेस देन आएगा आर से। आर डबल डैश क्या है, अपेरेंट वेट, आर क्या है एक्चुअल वेट, इसका मतलब अपेरेंट वेट कम आएगा बेटा एक्चुअल वेट से। तो जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाता है तो आपको फील होता है कि वेट कम, ऊपर की तरफ जाएगा तो बेटा ज़्यादा होगा। इसी केस का एक स्पेशल केस, जब लिफ्ट डाउनवर्ड जा रहा है लेकिन ए इज इक्वल टू कितना हो जाए बेटा, जी, ए इज इक्वल टू क्या हो जाए बेटा, जी, तो उस केस में क्या होगा, आर कितना हो जाएगा, आर डबल डैश जीरो हो जाएगा, तो वेट कितना हो गया जीरो, तो वेट लेस फील करेगा। ये काफ़ी बार आता है एग्जाम में, ये ध्यान रखना, डाउनवर्ड मूव कर रहा है लेकिन ए इज इक्वल टू क्या है जी, तो आर डबल डैश कितना हो गया जीरो, तो वेट कितना हो गया जीरो, इसका मतलब वो बेटा वेट लेस फील करेगा। और इसी का एक और केस, ये तो फर्स्ट केस था इसका, इस एक और सेकंड है, जब ए ग्रेटर देन जी हो जाएगा, तो ए ग्रेटर देन जी हो जाएगा तो आर डबल डैश क्या आएगा बेटा, नेगेटिव, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, ये सिचुएशन आपको कभी भी अराइज नहीं करनी। तो ये बेटा फर्स्ट पार्ट था आपका, थर्ड यूनिट जो भी है, ठीक है, कर दोगे। अपेरेंट वेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है लिफ्ट के अंदर, कई बार काफ़ी टाइम इक्वेशन आता है बेटा।